कि एक स्कूल तक जाने के लिए कितना उसको जिजू जहद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है सबसे ज्यादा तादाद में विकलांग लोग पूरे दुनिया में भारत में ही रहते हैं मुझे मानना, मेरा मानना है, कि ये एक इंसल्ट है। टू 2016 के इसमें विकलांग जन को अगर कोई आ, इंसल्ट करे आ, इन पब्लिक व्यू या उनको ह्यूमिलेट करे या हार्म करे Uh, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो उस उस आधार पे जब मैंने uh, इंस्टाग्राम पे हरभजन सिंह uh, युवराज सिंह uh, सुरेश रायना और uh, क्या नाम है हरप्रीत सिंह मान या ऐसा जो और एक क्रिकेटर है उनका जब वीडियो देखा जब वो विकलांग जन की तरह एक मौकरी करके उनका प्रटेंड करके वो वीडियो डाला उन्होंने एक बहुत ही प्रचलित अभी जो वायरल गाना हो रखा है उसके ऊपर Uh, मुझे मानना मेरा मानना है कि ये एक इंसल्ट है भारत के uh, कम से कम दस करोड़ से ज़्यादा विकलांग जनों के लिए और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में विकलांग लोग पूरे दुनिया में भारत में ही रहते हैं और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के uh, मतलब हरभजन सिंह की बात कर रहा हूँ देख खुद एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है जहाँ कि उनको पार्लियामेंट में विकलांग जनों के हित में उनके अधिकार में के लिए उनके जो भी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी तकलीफ है उसके बारे में उनकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वो किस तरह के वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को एक 1.5 मिलियन व्यूज लाइक है व्यूज़ की बात नहीं लाइक like है सिर्फ और रोज़मर्रा के ज़िंदगी में एक जन कितना पिछड़ा है कि एक स्कूल तक जाने के लिए कितना उसको जहद की लड़ाई लड़नी पड़ती है और इस तरीके के वीडियो जब इन 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 क्रिकेटर्स के करोड़ों फॉलोअर्स हैं ये क्या सेट कर रहे हैं रूल तो आज कोई बच्चा जो अपने रोज लड़के स्कूल पहुंच रहा है और उसके साथ ही जो स्कूल में क्या करेंगे इसी तरह उनका मजाक उड़ाएंगे क्या वो स्कूल जा पाएगा क्या आप ऑफिस जा पाएंगे क्या आप किसी भी सामाजिक कोई भी इवेंट में जा पाएंगे तो मेरा तो कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल और राष्ट्र राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन नाइन्टी टू और अभी एक हफ्ता पहले जो सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर है जहाँ की कहा गया है कि मीडिया ख़ास करके जनों को ए, इंसल्ट ना करें उनकी डिग्निटी को ध्यान रखे उनको ए, किसी भी मीडिया में प्रोट्रे किया जाए वो और मेटा जो इंस्टाग्राम चलता है मेटा इंडिया एक यूज़र गाइडलाइन में क्यों उन्होंने इस तरह के वीडियो को वायरल uh, होने दिया या उसको पब्लिक होने दिया क्या ये यूजर गाइडलाइन क्या यही भारत के कानून ये नहीं मानेंगे तो आई थिंक एक भारत में और uh, विकलांग होने के बाद आई uh, थिंक पिछड़ापन अभी भी है